हेलो फ्रेंड्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाय, नमस्ते, हेलो। आज फिर से एक बार फिर मैं आपका अपने चैनल द स्टडी कैफ़े कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो शुरू करने वाला हूं वो कल का ही एक अगला पार्ट है। बताया था कल जैसे कि हमने ट्रायंगल शुरू किया था, ट्रायंगल में हमने जो विषमबाहु त्रिभुज देखा था उसके बाद हमने उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से डीपली गए थे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, उससे पहले हम जो छोटी मोटी सी जरा बात कर लें कि अगर आज कोई नया है, कोई नया देखने जा रहा है वीडियो, या फिर नए भी नहीं पुराने भी हैं, उनको मैं एक बार एडवाइस करता हूँ कि अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार फिर से वो जो पीछे चार या आई थिंक चार जो वीडियो अपलोड हुई हैं उनको फिर से देख लें और बार बार देखें, तभी आप इसमें अच्छे हो पाएंगे। और अभी जो मैं आगे कराऊंगा उसमें कहीं ना कहीं जो पीछे हमने पढ़ा है उसका लिंक आएगा, तो वो समझने के लिए आपको वो वीडियो देखनी ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, देखिए ये है कि एडवांस मैथ, मैं टिपिकल नहीं कहता हूँ लेकिन एडवांस मैथ है, तो थोड़ा सा आपको एडवांस दिमाग ला के तो काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रात और दिन एक करने पड़ेंगे। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एडवांस मैथ में ही रात दिन एक कीजिए, सब चीज़ पढ़िए, लेकिन मैथ का एक एडवांस पार्ट है, आपको मेहनत तो करनी है। अभी मेहनत कर लेंगे तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अगर अभी मेहनत नहीं करी तो फिर कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है हर एक व्यक्ति जीवन में, लेकिन आप अगर अपने लिए ना सोचें तो अपने पेरेंट्स के लिए सोचें, या जो उन लोगों की सोचें जो अपने गार्जियन हैं, जिन्होंने भी आपको पाला पोसा है, बड़ा किया है और सपना देखा है कि मेरा बच्चा जो है वो सरकारी नौकरी करे, गवर्नमेंट ऑफिसर बने, गवर्नमेंट ऑफिशियल बने, तो उनके सपने के लिए अब थोड़ा सा मेहनत कर लें, अगर अपने लिए ना चाहें तो, ठीक है। जब आप कुछ बन जाएंगे, अगर सपोज़ आपके गार्जियन या आपके पेरेंट जो हैं वो यही चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो गवर्नमेंट जॉब करे, तो आपके अदर कुछ करने से उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं आएगी जो कि गवर्नमेंट जॉब करने से आएगी। इसलिए ये भी है कि जॉब के बाद जो है वो एक अच्छा माहौल तो बनता है, आपकी लाइफ अच्छी हो ही जाती है, ठीक है ना। चलिए, वो सब बात की बात है, अभी हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी मैं अभी मैंने पिछले चार वीडियो में कराया है उसको अच्छे से समझ लें, बार बार देख लें, और जो आगे कराएंगे उस पर दिमाग ज़्यादा लगाएं, ठीक है ना, और मेहनत करें, क्वेश्चन को बार बार देखें कि क्या किया मैंने। और आप देखते ही हैं कि हम कमेंट देख लेते हैं आपके, और अब अगर आप पूछते हैं तो दोबारा बता भी देते हैं, लेकिन वैसे ऐसी नौबत आती नहीं है मेरी क्लासेस में। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं एक ही चीज़ को बार बार बता दूँ, या कम से कम मेरे को फील हो जाता है कि ये जो टॉपिक है वो थोड़ा टिपिकल हो गया, तो मैं अपने आप ही दोबारा बता देता हूँ। ज़रूरत पड़ती नहीं है कि कोई मुझसे कुछ पूछे या मेरे पे क्वेरी करे, मैं अपने आप ही समझ जाता हूँ कि सामने वाले के दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा, या फिर कितनी देर में आएगा, या मेरे को क्या समझाना पड़ेगा, क्या एडवांस करना पड़ेगा बताने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर आगे। तो देखिए, अभी हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझिए क्या मैं कह रहा हूँ, एक एक बात बहुत कीमती है और लाख रुपए की बात है, अमूल्य है, प्राइसलेस है, सुनिए इस चीज को। त्रिभुज, तो त्रिभुज तो हमने कहा ही था कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है, लेकिन त्रिभुज में भी समद्विबाहु त्रिभुज क्या बनेगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो जाएं और तीसरी भुजा असमान हो, यानी कि सिर्फ दो ही भुजाएं समान हो, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कुछ नहीं बोला मैंने, क्या अलग बोल दिया, समद्विबाहु, समान दो भुजाओं वाला, बस नाम से स्पष्ट है समद्विबाहु, तो समान दो भुजाएं जिसमें होंगी वो ट्राइंगल जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होने के साथ साथ उसमें क्या प्रॉपर्टी बन जाएंगी, उसके अंदर क्या चीज़ होगी, वो समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन छोड़िए, फिर मत करिए, नहीं कर पाएंगे अगर समझना नहीं चाहते हैं तो, ठीक है। समझे क्या कह रहा है, कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो गई तो ध्यान रखिएगा, समान भुजाओं के द्वारा तीसरी भुजा से बना कोण समान होता है, यानी कि समान भुजाएं ये वाली हैं और तीसरी ये भुजा जो है वो असमान है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, बट ये नॉट इक्वल टू बी सी है, बी सी के इक्वल नहीं होंगे। तो अगर जो भुजाएं इक्वल हैं तो उनके द्वारा तीसरी भुजा से बना जो कोण है वो बराबर होगा, पहली बात है ना, पहली बात ये हो गई। अब बात आती है लंब डालने की, लंब डालते हैं, है ना, जो दो समान भुजाएं हैं वो जिस पॉइंट पर काट रही है वो कौन सा पॉइंट है, ए। अब ए से हमें यहां पर लंब गिराना है, ठीक है, लंब गिराया हमने 90 पे। आप जानते हैं कि लंब क्या होता है, जो सामने वाली भुजा पर 90 पे गिरता है। देखिए, लंब हम यहां से भी गिरा सकते हैं
यहां से भी किसी एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तो माध्यिका भी तीन होती है, लंबी तीन होते हैं, हर एक चीज तीन तीन बनेगी क्योंकि तीनों ही कोणों से हर चीज गिर सकती है। लंब हम चाहें तो यहां से भी गिरा सकते हैं, यहां से भी गिरा सकते हैं, यहां से भी गिरा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के बीच वाले कोण से डाला गया लंब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कहने को तो लंब देखो ये भी गिर सकता है, ये लंब ये गया, देखिए ये लंब ये गया, यहां हमें एक पॉइंट मिलता है जिसे हम कहते हैं लंब केंद्र, जो हम ज्योमेट्री में सीखेंगे। लेकिन हमारे लिए ये दोनों जो के लंब हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जो सिंगल लंब है ये वाला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो देखते हैं उसके बारे में, ये जो लंब है हमने कौन सा वाला लंब जो समान दो भुजाओं के बीच से गिरता है, समान दो भुजाओं के एंगल से सामने वाली भुजा पे गिरता है। खास बात ये लंब की ये होती है कि ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि ये भी एक्स और ये भी एक्स बन जाता है, इक्वल बन जाती है, एक्स और एक्स हो जाती है ये दोनों, ठीक है। यानी कि बीसी जो है वो आधी हो जाती है इस लंब की वजह से। ये जो है वो अदर अदर जो एंगल है वहां से लंब गिराने पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ समान भुजाओं के बीच वाले कोण से ही लंब गिराने पे ऐसा होता है क्या कि ये दोनों भुजाएं जो है वो बराबर हो जाती हैं। अब देखिए होता क्या, आपको बुक्स में आप फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूले तो इतने हैं कि आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम चीज़ें आपको जो हैं रटनी पड़े। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो देखिए यहीं पर ही आप सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। मैंने सिंपली आपसे कहा था कि त्रिभुज जो का क्षेत्रफल जो होता है एरिया, है ना, क्षेत्रफल को ए आर से दिखाता हूँ शॉर्ट में। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब कोई भी आधार उस पर गिराया गया लंब ऊंचाई कहलाती है, दोनों का इंटू करके हाफ का इंटू कर तो क्षेत्रफल मिल जाता है। अब इसको यहां कैसे अप्लाई करें, तो देखो मैंने जो समान भुजाएं हैं उनको ए मान लिया और जो असमान भुजा है उसको मान लिया टू बी। टू बी क्यों माना है, क्योंकि लंब गिराने से ये दोनों वैल्यू जो है वो बी और ये वाली जो वैल्यू है वो भी बी बन गई, क्योंकि बाइसेक्ट हो गई, बराबर भागों में कट गई, बी और बी बन गई, क्लियर है। अब बात आती है कि ये वाला पॉइंट डी है। अब देखिए हमें क्या है कि हमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो हाफ तो हमारे पास है ही है। बेस अगर मैं 2b ले लेता हूं तो 2b ले लिया, इनटू इनटू हाइट चाहिए यानी कि ad की वैल्यू निकालनी, तो ad की वैल्यू कैसे निकालूं, तो देखिए ad की वैल्यू के लिए आप क्यों वेट कर रहे हैं, किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, आप जानते हैं कि ये 90 है, 90 देखते ही हमें क्या दिखता है, समकोण त्रिभुज, यानी कि ये 90 का त्रिभुज दिखता है। समकोण त्रिभुज देखते ही हमारे दिमाग में क्या आती है, पाइथागोरस थ्योरम ध्यान आती है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं समकोण त्रिभुज में। तो हमने देखा कि यहाँ पर यदि मैं इसको बाहर निकालूँ, या बाहर जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही देख लो कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है वो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जहाँ पर ये जो लेंथ है इसको आप बता दीजिए, ठीक है ना, ये समझाने के बनाया था मैंने। अब मैंने यहाँ पर इसको कितना मान लिया है, बी बी मान लिया है, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने ऊपर एक्स नीचे बी मान लिया, तो फिर क्या चीज़ है, वो बी है बेसिकली, अब मैंने बी माना हुआ है। ये ए और बी के स्टेप में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, एग्जाम में आया हुआ है, उसने सिर्फ प्रूफ ही करवाया था, मतलब पूछा था, ऑप्शन दे दिए कि बताइए इनमें से कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो वो कर ही नहीं सकते उसको। तो यहां पर ये बी हो गया, ये बी हो गया, अब यहां से हमें एडी निकालना है, तो एडी निकालने के लिए देखिए 90 के सामने का कर्ण होता है, यानी कि कैसे लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है इस वाले ट्रायंगल में। अब इसमें ए बी की वैल्यू तो देखो ए स्क्वायर है, ए डी की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है, और बी डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास हमने कितनी मानी है, बी बी स्क्वायर। तो देखिए यहां से जो ए डी की वैल्यू है वो बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का रूट, बन गई, और यहां पुट कर दीजिए तो यहां पर हाइट हमारे पास क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का रूट, ये से कैंसिल, तो आंसर बन गया बी इंटू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, बी इंटू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब ये जो देखिए ये जो है, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप के सिर्फ अकेले दिमाग लगाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो बुक्स में लिखा मिलता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बी इंटू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब इसमें कहाँ याद रखेंगे कौन सा ए है कौन सा बी है, कब क्या करना है, 2 मिनट लगते हैं दिमाग में कैलकुलेशन क्रिएट करने में, 2 मिनट तो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आधा सेकंड लगता है, आधा मिनट लगता है, 30 सेकंड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एडवांस मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा दिमाग को एडवांस बनाने की कोशिश करेंगे, पाइथागोरस नंबर याद करो, आधे से पाइथागोरस नंबर अगर आप याद होते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल तो वैसे सॉल्व हो जाता है,
और मैंने जो बताए थे आपको, मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट वीडियो जो है, लास्ट वीडियो में जो भी चीज़ है, एक एक चीज़ जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल है। कोई रटा रटी हुई विद्या नहीं दे रहा हूँ मैं आपको कि मैंने कहीं पर रट लिया है और बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैंने खुद एग्जाम में अप्लाई की हुई, वो चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि मैंने कहाँ परेशानी फेस करी, फिर उस परेशानी से निपटने के लिए फिर मैंने क्या अप्लाई किया, किस तरीके से मॉडिफाई किया, किस तरीके से माइंड को डेवलप किया, किस तरीके से माइंड को डाइवर्ट किया, कैसे मैंने अपनी मैथ को इम्प्रूव किया, कैसे उसमें नए नए इनोवेशंस किए। तो वो उन प्रैक्टिकल्स का आपको यहाँ बेनिफिट देने की कोशिश करता हूँ, तो उसको एज अ बेनिफिट लो, घबराओ मती, भागो मती। भागोगे तो क्या कहलाओगे, विजय माल्या या फिर किसी और की तरह, बस कुछ नहीं है। अपनी जगह पर टिके रहो और सामना करो उस चीज़ का, क्योंकि डर के आगे जीत है ना। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या निकल आया, एरिया ऑफ समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, यही मेन है। चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बता दिया है, अब एक त्रिभुज हमारे पास और बचा है, समबाहु त्रिभुज, वो और बता देते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे अपने, है ना। कुछ भी नहीं, कुछ टिपिकल होगा नहीं, है ही नहीं इसमें, ये दो प्रॉपर्टी थी इसमें बस, और एक फॉर्मूला है एरिया का जो मैंने बताया है। बस इसको थोड़ा सा एक बार ट्राई कर लेना, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर जगह आप अपना अप्लाई करोगे। मैं भी कहीं याद नहीं करवाऊंगा, जहां पर मेरे को दिखेगा मैं तुरंत अप्लाई करूंगा और आंसर सामने निकाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये जो क्वाड्री, ये ट्राइंगल जो है हमारे पास समबाहु त्रिभुज, जिसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो देखिए क्या है इसमें, अब इसके बारे में क्या खास बात है, त्रिभुज तो है ही है भाई, त्रिभुज तो बोल ही दिया मैंने, ये हो गया हमारे पास त्रिभुज, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, त्रिभुज है एबीसी। अब समबाहु, बाहु मतलब भुजाएं, और सारी कैसी सम, यानी कि समान, तो ऐसी आकृति, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज होते ही एक छोटी सी बात है जो शायद मैं कल लिखना भूल गया हूँ, आपको पता होनी चाहिए कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। एक छोटी सी बात है, कल शायद मैं नहीं लिख पाया हूँ, तो आज मैं कहाँ ध्यान आ रही है, नहीं लिखा मैंने, तो आज मैं बता रहा हूँ आपको कि तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। अब यहाँ पर जो है वो, जब ये तीनों ही कोण बराबर हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको बराबर होते हैं क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, इसको गामा मान लीजिए, जब ये तीनों ही कोण बराबर हैं और तीनों का सम अगर 180 है और 180 में तीन से डिवाइड लगाते हैं तो 60 आता है, तो यानी कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने के हो गए, 60 60 60, ठीक है। चलिए ये भी ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इज इक्वल टू 60, ये हो गया। अब बात इसमें और एक्स्ट्रा क्या है, और अच्छी बात क्या है, देखते हैं और अच्छी बात क्या है। और अच्छी बात सिर्फ इसमें ये है, इतना अंतर देख लीजिए आप, देखिए खुद ही कर लेंगे। जैसे कि हमने समद्विबाहु त्रिभुज देखा था, हमने समद्विबाहु त्रिभुज देखा, हमने क्या बोला कि ये दो भुजाएं बराबर हैं, यहां से गिराया गया लंब जो है वो इसको इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, एक्स और एक्स में बांट रहा है। क्यों बांट रहा था, क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर थी, यहां पर सारी बराबर है तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। आप यहां से लंब गिराइए, यहां से लंब गिराइए, यहां से लंब गिराइए, सारा लंब, सारे लंब एक ही काम करेंगे, इसको भी इक्वल पार्ट में बांट देंगे, तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगर ये भी छह है, ये भी छह है, ये भी छह है, तो ये भी तीन हो जाएगी, 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 क्योंकि तीनों ही एंगल से गिराए गए लंब सामने वाली भुजा को मिड पॉइंट पे काटेंगे। जबकि समद्विबाहु त्रिभुज में समान दो भुजाओं के बीच वाले एंगल से ही लंब गिराने पर ये काम हो रहा था, अदर एंगल से वो काम नहीं होता था, और वहां पर सिर्फ यही दो एंगल बराबर थे और वो वाला एंगल बराबर नहीं था, लेकिन तीनों का सम वहां भी 180 था, लेकिन यहां पर तीनों ही एंगल जो हैं वो बराबर होंगे, और वो भी कितने कितने के हो जाएंगे, 180/3, 60 60 60, ठीक है। अब इसमें और क्या आगे होता है, और क्या बात आती है, वो देखते हैं अगली बात, अगला इंपॉर्टेंट मैटर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब
इसमें अगर मैं इसकी भुजाओं को ए ए ए मान लूं और ये मेरे पास मैंने लंब गिरा दिया 90 पर एच, वैसे क्या बोल दिया एच, यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब देखिए अगेन वही चीज आ गई कि ये 90 बन रहा है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल बन गया समकोण, और समकोण बनते ही कौन सी थ्योरम कहलाती है हमें, पाइथागोरस। यानी कि जब इसमें पाइथागोरस लगा के किस किस में, ए में, और इस लंब ने इस ए को ए बटे दो में बांट दिया, यहां से यहां तक ए बटे दो में, ए में और एच में लगाया, तो यहां से हमें इसकी हाइट मिलती है रूट थ्री बाई टू इंटू ए। पाइथागोरस लगा लेना आपको ये मिल जाएगा, नहीं लगा सकते हैं तो याद कर लीजिए, ठीक है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, इतना समझाने के बाद तो अब तो ये हलवा सी बात हो गई, अपने आप कर सकते हैं आप, ठीक है। जब आपने एच निकाल लिया तो फिर एरिया निकालने में देरी क्यों हो रही है, डेल्टा बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हर ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से हाफ कीजिए, बेस हम कितना ले लेंगे ये वाली भुजा ए, और हाइट कितनी ले लेंगे ये वाली भुजा जो हमने अभी निकाली है रूट थ्री बाई टू इंटू ए, ए का ए स्क्वायर हो गया, ये आंसर बन गया रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में, अगर आप रेलवे या एनटीपीसी दे रहे हैं और अगर एक हल्का क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे उसमें हल्के क्वेश्चन ही आते हैं, आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे, थोड़ी मेहनत भी करेंगे तो बहुत निकल जाएंगे, और ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो सीजीएल वगैरह भी सब क्वालिफाई कर ले जाएंगे। मैं बहुत मेहनत करूँगा आपके साथ में, लेकिन हिम्मत बना के मेरे साथ डटे रहें, ठीक है। अभी जो है हम थोड़ा सा ज़्यादातर फोकस जो है वो अभी एग्जाम आने वाले जो एनटीपीसी और रेलवे पे कर रहे हैं, तो वैसे उसमें जहाँ तक चांसेस हैं वो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर ट्रायंगल से आया तो। और सिंपल सा है, क्षेत्रफल निकालना है रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर लगाइए और क्षेत्रफल फाइंड कीजिए, ये हाइट है ये क्षेत्रफल है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और आती है इसमें समबाहु त्रिभुज में, वो ये होती है कि अंतर्वृत्त और परिवृत्त, है ना, वैसे वृत्त के बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी देख लेते हैं छोटा सा मैटर, ये ए है ये बी है ये सी है, ठीक है, कि ये मैंने हाइट गिराई या लंब गिराया 90 पे, यहां हमें एक पॉइंट मिलता है, जब हम व्रत में जाएंगे और थोड़ा बहुत जानते भी होंगे आप व्रत में, कि व्रत में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है केंद्र फिर त्रिज्या, केंद्र और त्रिज्या के बिना व्रत नहीं बन सकता। तो ये कहता है कि ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाइए जिसे हम अंतर्वृत्त कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाइए जिसे परिवृत्त कहते हैं। अंदर जो वृत्त बनता है वो इसकी तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाता है, और जो बाहर वृत्त बनता है वो इसकी तीनों एंगल को टच करता हुआ जाता है। लेकिन बात तो वही आती है कि वृत्त तो जब बनाएंगे ना, जब त्रिज्या हमारे पास होगी, हवा में थोड़ी बनाएंगे, कैसे लगा देंगे सीढ़ी, तो जब दीवार पर खड़ी करेंगे, जब दीवार होगी, दीवार नहीं होगी तो सीढ़ी गिर जाएगी नीचे, मुंह केवल गिर पड़ेंगे, टूट जाएंगे फूट जाएंगे, क्या फायदा। तो बात आती है कि वृत्त तो जब क्रिएट करेंगे जब हमारे पास त्रिज्या होगी। अब त्रिज्या कहां से लेके आऊं मैं इसके लिए, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि समबाहु त्रिभुज में अंतर त्रिज्या होती है ए अपॉन टू रूट थ्री, और परित्रिज्या होती है जिसे मतलब बड़ी वाली त्रिज्या, यानी कि जिससे परिवृत्त बनाया है, ये वाली तो है परित्रिज्या मतलब बड़ी त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, और ये वाली है छोटी त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर। तो ये जो है इस वाले की डबल होती है, यानी कि ये बन जाएगी दो से कटने के बाद ए अपॉन रूट थ्री। तो ये जो है हमारे पास जो है अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या आ गए। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई टाइम नहीं लगेगा, और धैर्य बना के रखिएगा, हम उसी पे फोकस कर रहे हैं जो अभी आपके एग्जाम में आएगा, बाकी फिर हम आगे कोशिश करेंगे आपको और अपग्रेड लेवल पे लेके जाने की, लेकिन अपग्रेड लेवल पे जाने के लिए आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, तो पहले अभी हम आपको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो वैसे ही रखा है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, आपको और अच्छे क्वेश्चंस के लेवल पे लेके जाएंगे जब हम अदर एग्जाम की तैयारी, आप अगर इंटरेस्टेड हो गए तो अदर एग्जाम की तैयारी करेंगे तब, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, कर्ण जो है 16 रूट 2 सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अब एक बात आ गई, इसने ये बोल दिया
कि समकोण समद्विबाहु हमने जो सिखाया आपको था वो कौन सा सिखाया था? समद्विबाहु। लेकिन समकोण समद्विबाहु क्या हो जाता है? क्या होता है समकोण समद्विबाहु? समकोण समद्विबाहु का मतलब ये होता है कि त्रिभुज की दो भुजाएं तो बराबर हो, साथ में एक एंगल जो है वो 90 का हो, और वो भी एंगल कौन सा वाला? समान दो भुजाओं के बीच वाला। मतलब फिर ये आप इस एंगल को अगर चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है जो, और उसके जो पहले हमने पढ़े थे ना कि ये पी और बी होते हैं, ये पी और बी ना हो के दोनों समान हो जाएंगे, ये और ये दोनों भुजा समान हो जाएंगे, इसे हम बोलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें यदि ये वाली भुजा ए है ये वाली भुजा ए है तो ये कहलाती है ए रूट दो। पाइथागोरस लगाएंगे, ए रूट दो ही आएगा। ठीक है, तो बड़ा फायदा होता है जब अगर हमें ट्राइंगल जो है समकोण समद्विबाहु मिल जाता है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि इसने कहा कर्ण 16√2 है, यानी कि जहां पर ए रूट टू है वहां इसने कह दिया कि 16√2 है। अगर मैं यहां पर कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 16। और क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, अब क्षेत्रफल निकालने में देर किस बात की है? क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं समकोण त्रिभुज का? छोटी भुजाओं का गुणनफल हाफ इंटू ए इंटू ए, बेस ये रहा हाइट ये रही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस ये रहा हाइट ये रही, और दोनों समान है तो ए इंटू ए, और ए का मान आपने अभी अभी सामने लिख लिया है, देख लिया है, निकाल लिया है, 16 है, यहाँ 16 है, यहाँ पर 2 से गया 8 बार 16 2844 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितने मजे से आंसर निकल रहा है, थोड़ा सा ज्ञान और बहुत सारा लाभ है ना। ठीक है, तो बस समझने की देरी है और सारे क्वेश्चन बड़े ही चुटकियों में हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? आना चाहिए, जिसके नहीं आ रहा है उसके भी आना चाहिए, और जिसके आ रहा है वो तो होशियार है ही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो है वो समबाहु त्रिभुज का है। अब और मैंने आपसे कहा था कि समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दिमाग में रखना उसको। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है तो इस प्रकार उसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल बताइए, क्या टाइम लग रहा है? इसने बोल दिया कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा जो है वो 6 है, 6 6 6, क्षेत्रफल निकालना है √3/4 a² यानी कि √3/4 6 × 6 तीन बार, और ये तीन बार आंसर आ गया 9√3। क्या बच्चों को खेल सा लग रहा है? तो बिल्कुल है ना। ठीक है चलिए, हाँ ये क्वेश्चन शायद मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्या कहता है देखिए ये क्वेश्चन, अगला वाला, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई क्या है? यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, परिमाप का संख्यात्मक मान वो सीधे सीधे ये कहना चाह रहा है कि त्रिभुज के परिमाप को और उसके क्षेत्रफल का 3 गुना √3 गुना रख दीजिए। मतलब समबाहु त्रिभुज है पहली बात तो ये है, तो परिमाप कितना होगा? तीनों भुजाओं का योग a a a 3 a। मैं अगर वहां नहीं लिख पाया हूं तो आप लिख लीजिए, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि परिमाप में तो कुछ नहीं होता है, भुजाओं को ऐड करना पड़ता है, 3 हो गया। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3/4 जो a² होता है उसका √3 गुना है, तो ये √3 से इंटू कर दिया, √3 × √3, 3 कैंसिल हो गया, a² चला गया, 4 का इंटू किया, a = 4 आ गया, भुजा कितनी आ गई? 4, और ये निकालना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए हमसे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है। अरे वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जरा मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा उसमें इंक जो है मेरे को शायद कम लग रही है, इस बार ब्लू ट्राई करते हैं ना, कलर जो है वो चेंज होते रहने चाहिए। हाँ चलो ठीक है, हाँ इसने कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां 15 और 22 हैं। देखिए 15 और 22 हैं, अब इसने समद्विबाहु, भाई हम तो ये जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 2 भुजाएं दे दी हमको, अब क्या करें दो भुजाओं से? हम दो भुजाएं वो भी कौन सी हैं? समद्विबाहु त्रिभुज में तो 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है, अलग होती है।
अब इसने कह दी कि 15 और 22 है, तो 15 और 22 से किसको क्या मालूम है? अगर मैंने 15 इसको 15, अगर 15 मैंने माना कि ये बराबर भुजाओं के बारे में कह रहा, तो ये 15 15 हो गई, तो ये हमारे पास कितनी हो गई? 22। तो ऐसी कंडीशन में जो इसका परिमाप बनेगा वो क्या बनेगा? 15 15 30 और 22 52 बन गया। सबको ऐड किया, चाहो तो लिख लो इसको जोड़ के, वरना कहेंगे सर 52 कहाँ से आ गया, हम तो भूल गए, समझ नहीं आया, मजे नहीं आए। 15 प्लस के 15 प्लस के 22 52। और अगर मैंने माना कि ये 22 है, ये 22 है, ये 15 है, तो हमारे पास क्या देखा हमने? तो फिर परिमाप हमें कितना मिल सकता है? उस कंडीशन में हमें परिमाप जो है वो 22 प्लस के 22 और प्लस के 15, यानी कि 22 और 22 44 और 10 54 और 5 59, ये बन सकता है। तो किसको आंसर बोलूं? अब ऑप्शन को देखें तो भाई उसने या लगा रखा है, तो आप क्या बोलेंगे? 52 या 59। कुछ भी टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है। देखिए, समबाहु त्रिभुज फिर से आया। समबाहु त्रिभुज कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज कहता है कि मेरी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो मेरा क्षेत्रफल निकाल दो। क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? कि समबाहु त्रिभुज बनाया, उसने कहा कि मेरी ऊंचाई जो है वो 15 है, 15 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकाल लिया। ऊंचाई आप जानते हैं कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? √3/4 √3/2 × a, ये हाइट का फॉर्मूला होता है, जानते हैं। वो उसने हमको 15 दे रखी है, तो √3/2 × a = 15 के रखा, तो a की वैल्यू हो गई 30/√3। रूट तीन का इंटू ऊपर नीचे कर देंगे, तो आप जानते हैं कि इसे हम परिमेयकरण कहते हैं, तो तीन, ये तीन बन जाएगा 10 बार कटने के बाद, कितना आ गया? 10√3, यानी कि भुजा में कितनी मिल गई? 10√3। तो इसका क्षेत्रफल निकालने में आप देरी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि क्षेत्रफल होता है √3/4 a². अब आंसर आपके सामने है, √3/4 और ए स्क्वायर मतलब के 10√3 × 10√3। तो 2 से गया 5 बार, 2 से गया 5 बार, 5 और 5 कितना हो गया? 25, 25 से कितना हो गया? 75, 75 × √3 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी हो, नोट कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर है 75। कैसे आया? 5 और 5 25, 3√3 √3 3 हो गया, 25 ये 75 × √3 75√3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत कोई हो भी तो मेरे को क्वेश्चन दिखे ही नहीं है कि कोई दिक्कत हो, कहाँ दिक्कत आ रही है। एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने इसीलिए अपनी क्लास जो है वो सुबह सुबह की रखी है, कि माइंड जो है फ्रेश होता है, तो कम से कम मूड होके तो बैठते हो ना, कि जिससे माइंड जो है वो खुल जाए। अगर ऐसा नहीं है तो दिक्कत आएगी। अब अभी भी चले जाओ, कोई बात नहीं है, तो के आइए और अच्छे से फ्रेश होके बैठिए, तब समझ पाएंगे इसको। देखिए नेक्स्ट, अगला ये हमसे क्या बोलता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बोल दिया। एक समबाहु त्रिभुज लिया और उसने हमको क्षेत्रफल बोल दिया, √3/4 a² = 4√3। ये इसे कैंसिल हुआ, तो a² = 4 × 4, यानी कि a बराबर 4 आ गया। भुजा तो हमारे पास 4 आ गई, अब भुजा ही पूछी थी, ठीक है ना, तो भुजा हमारे पास कितनी हो गई? 4। अब ये दो जो क्वेश्चन है, देखिए ये वाला जो है 6th वाला, अब ये क्वेश्चन हल्का सा है। 6th और 7th जो दोनों क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट कराएंगे, दोनों ही हल्के से जो हैं वो थोड़े से दिमाग वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन घबराना नहीं है, हमें धैर्य से काम लेना है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ क्यों है? क्योंकि पेशेंस जिसके पास है सफल हमेशा वही हुआ है। आप अगर एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार मैं तो फेल हो गया, मैं निकाल नहीं सकता, उसमें इसका मतलब धैर्य की कमी है, और जिसमें धैर्य की कमी है वो पहले एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद ही तैयारी करना छोड़ देगा, घर बैठ जाएगा कि मैं नहीं, मेरे से नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे केसेस नहीं हैं, हाँ हैं, कुछ लोगों ने पहली तैयारी में ही जो है वो पेपर क्रैक कर लिया, निकाल लिया है, लेकिन ऐसा हर बार हर एक के साथ में नहीं होता। आप बस अपने टारगेट में लगे रहिए, बहुत सारी असफलताओं के बाद एक सफलता मिलती है,
ऐसे नहीं होता कि आपको सीधे सीधे वो सफलता मिल जाती है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा मेरे से किसी ने कहा था या मैंने कहा था क्या, मैंने खुद ही फील कर लिया था कि जब बहुत सारी असफलताओं के बाद सफलता मिलती है तो उन एग्ज़ाम्स में असफल करने के पीछे भी ऊपर वाले का एक हाथ होता। वो हाथ मैं ऐसे मानता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और कोई चीज़ आप चाहते हैं और वो आपको ऐसे लेके हाथ में रख दी जाए तो आप कहेंगे यार ये तो यार मिल गई मेरे लिए, इसकी क्या क्या, ये तो मैंने वैसे ही पा ली, अरे ये तो बेकार है। मुद्रास्फीति जानते हैं आप, इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे, मुद्रास्फीति क्या होती है? मैं तो खैर ज़्यादा नहीं जानता हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जितना मैं जानता हूँ वो यही चीज़ मानता हूँ कि हम कहते हैं कि वो देश गरीब है, हमारे देश में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे चली गई है, पैसे कम है, हर एक बंदा जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। क्यों इस देश में लोग गरीब क्यों हैं? अगर बैंक, अगर गवर्नमेंट चाहे तो रिजर्व बैंक को बोल दे और वो नोट छापना शुरू कर दे और नोट सब में बांट दे, गरीबी तो तुरंत मिट जाएगी, गरीबी कहाँ रहेगी? अगर गवर्नमेंट चाहे और देश की गरीबी को मिटाना चाहे तो वो तुरंत नोट छाप दे और RBI को बोल दे कि आप तो धक्का पेल रात भर दिन रात जो है आप नोट छापिए और सभी गरीबों में बांट दीजिए, देश में कोई गरीब नहीं बचेगा, हम तो अमेरिका भी को भी क्रॉस करके और विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये एक नियम है, क्राइटेरिया है, क्योंकि अगर करेंसी आपको इतनी ईजीली दे दी गई तो गरीब के लिए उस 1,000 रुपये के या 2,000 के या 500 के नोट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो उसको जेब में रखेगा, नाक पहुँचेगा और फेंक देगा बाल्टी में, डस्टबिन में, क्योंकि उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है ना उसके पास, तो ऐसे ही नोट दिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। तो वही सेंस जो है ना वो आप इसको ऐसा जॉब, इस जॉब में मान लीजिए कि अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपको जॉब वो इजीली मिल जाए और आपको असफलता नहीं मिले, तो असफलता ना मिलने से आपको वो जॉब मिल जाती है तो आपको उसकी अहमियत समझ नहीं आएगी कि कितनी कीमती है ये। और जब आप बहुत सारे एग्जाम में असफल हो जाते हैं उसके बाद एक सफलता मिलती है तब आपको उसकी जो रियल वैल्यू है ना, जो आप सोचोगे कि ये प्राइसलेस जो एक जॉब है जो मेरे को कितनी मेहनत के बाद मिली है, तब आप उसको बड़े संभाल संभाल के रखोगे। जैसे कहते हैं ना कि सोना चांदी को जो होता है आदमी तिजोरी में रखता है क्योंकि बहुत मेहनत से खरीद पाता है उसको, तभी काम कर पाओगे। तो इसलिए जो असफल व्यक्ति है आप इसको खुद देखना कि जो असफलताओं के बाद जो है सफलता बंदा लेके पहुंचता है ना ऑफिस में, वो बहुत मेहनत लेके काम करता है। लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं होता, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं या जो आप जैसे लोग हैं, जो आप जब सेलेक्ट होके पहुंचोगे वहां पर, तो आपने वो असफलताएं देखी हैं और जब आप वहां पर पहुंचोगे उस आपको जो चेयर मिलेगी ऑफिस में, आप वहां बड़ी मेहनत से काम करोगे, आप उस डिपार्टमेंट को आगे ले जाने में पूरा अपना योगदान दोगे, पूरे मन से लगन से काम करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इसकी कीमत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसलिए जो है वो असफल होना ज़रूरी है। एक कहावत भी है कि सबसे असफल व्यक्ति ही सबसे बड़ा उपदेशक होता है। बड़ा ही उल्टा लगता है ये वाली सेंटेंस जो है, लेकिन ये कहावत सही है कि सबसे बड़ा असफल व्यक्ति ही सबसे बड़ा उपदेशक होता है। आप किसी को भी ले लीजिएगा जो जो जितना ज़्यादा असफल हुआ होगा उसको उतने तरीके पता होंगे कि मेरे को अगर ये नहीं करना है तो मैं शायद सफल हो सकता था। जैसे कि आप कहते हैं कि एडिशन था, उसने बल्ब बनाया था कि उसे, वो ये बोलता था कि मेरे को एक तरीका बल्ब बनाने का नहीं, लेकिन मैं 20,000 बार फेल हुआ हूँ तो मेरे को ये पता है कि 20,000 तरीके से बल्ब नहीं बन सकता, एक तरीके से बन सकता है। तो बात है कि असफल होने से हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे थे, और गलतियों से आदमी सीखता है। एक्सपीरियंस किसे कहते हैं, अनुभव किसे कहते हैं, जो हम गलतियाँ करते हैं, और गलती करना लाइफ में ज़रूरी है क्योंकि गलतियों से ही सीखता है आदमी। लेकिन जो व्यक्ति गलती किए जा रहा और सीख नहीं रहा है तो वो उसे हम बेशर्म भी कहते हैं। तो अब आपको अनुभव ही बनना है कि बेशर्म बनना है वो आपकी बात है, आपके ऊपर है। तो गलतियाँ करो और सीखो। अब गलतियों का सेंस ये नहीं है कि आप गेट के बाहर निकलो और आज हमने सीखा है कि गलतियाँ करना है और हमें अनुभव मिलेगा और गलतियाँ करना शुरू कर दिया, डंडे लेके हाथ में निकल लिए। गलतियाँ करते हो तो उससे घबराओ मती, मैं कह रहा हूँ जानबूझ के ना करो, लेकिन अगर कहीं गलती अगर आपसे हो जाती है तो उससे घबराओ मती, जो होता है उस अच्छे के लिए होता है, उससे सीखो और उस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाओ। और कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी सीखो। ये चाणक्य ने कहा था कि जरूरी नहीं कि कुछ अनुभव लेने के लिए आप खुद गलती कर रहे हैं, जो दूसरा गलती कर रहा है उससे भी कुछ अनुभव ले लो जो आपके जीवन में आगे काम आए। समझ रहे हो ना? चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे,
एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्या है? एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 है। एंगल बी जो है वो मैंने 90 बना दिया। उसकी भुजाओं एसी और एबी पर दो समबाहु त्रिभुज, एसी एक तो समबाहु त्रिभुज इस पर बनाया, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर कर दी उसने। देखिए ये हमसे कहा था कि ये जो है वो समद्विबाहु समकोण था, मतलब कि अगर ये वाली भुजा ए थी तो ये वाली भुजा ए थी, क्योंकि एक बताया था मैंने कि समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर समकोण भी बन गया तो फिर ये एंगल भी 90 हो जाएगा। इसको फिर आप ऐसे भी बना सकते हो कि ये भुजा बराबर, तो ये ए रूट टू हो गई। अब इसने समकोण समद्विबाहु हमको इसके बारे में बोला कि ये जो है वो समकोण समद्विबाहु है, तो ये ए और ए हो गई। तो जब ये ए और ए हो गई तो फिर ये कितनी हो गई, ए रूट टू। और उसने कहा कि दो समबाहु उसने बनाए हैं, एक तो बनाया है एसी पर, एसी पर मैंने बना दिया, एक बनाया है एबी पर, ये मैंने एबी पर बना दिया, ये ए और ये ए हो गई हमारे पास। इसको आप डी बोल दो और इसको आप ई बोल दो, ठीक है, ए बी सी डी। अब क्या कहता है वो आपसे आगे, तो त्रिभुज ए बी ई, ए बी, अच्छा उसने देखिए इसको ई बोला है, ए बी ई, तो इस और इसको बोला है ए सी डी, ए सी डी। तो उसने पूछा है कि इनके क्षेत्रफल, किसके क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए बी ई, और अनुपात पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, ये पूछा है। अब क्यों देरी लगा रहे हैं, देखिए एक देखिए आपको छोटी सी बात और मैं बता दूँ, यहाँ बड़े काम की चीज़ है ये जो है वो पूरे ही मेंसुरेशन में बहुत काम की चीज़ है। अनुपात कैसे निकालते हैं, अनुपात निकालना तो हमें आता ही है, लेकिन अनुपात में भी हम जल्दी काम कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान रखिए, सुने इस चीज़ को, यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको, फिर इसके बाद साफ कर दूंगा। जो कुछ वैल्यू मीटर में नापी जाती हैं, कुछ मीटर स्क्वायर में नापी जाती हैं, और कुछ मीटर क्यूब में नापी जाती हैं। यहाँ पर वन डायमेंशनल वैल्यू जो है वो मीटर में नापी जाती हैं, यहाँ पर जो है वो टू डायमेंशनल, यानी कि जिनका हम क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं और आयतन को मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, ये हमारे पास यूनिट्स हैं, ठीक है। अब इसने हमसे कहा कि ए बी सी, ए बी ई और ए सी डी के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो यानी कि ये जो बात करना चाह रहा है वो मीटर स्क्वायर के बारे में बात करना चाह रहा है कि आपको मीटर स्क्वायर का रेशियो निकालना है। अब देखिए लिंक कैसे करते हैं हम रेशियो को, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एम पे ही स्क्वायर लगा दिया है, एम पे ही क्यूब लगा दिया है, तो क्यों ना हम पहले एम का ही रेशियो निकाल लें, उसके बाद फिर हम सीधे एम स्क्वायर और एम क्यूब निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये काम वहीं होता है जहाँ पर सारी भुजाएं समान होती हैं, जैसे कि वर्ग, वर्ग में सारी भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, जब हम मेंसुरेशन में जाएंगे तो वहाँ घन आता है, घन में सारी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, ऐसे ही वृत्त में भी काम आता है, स्फेयर में भी काम आता है, गोले में काम आता है, तो वहाँ जहाँ पर सिमेट्रिकल इमेज बनती है, सिमेट्रिकल कहते हैं हर जगह से समान, हम ये वाला काम जो है वो घनाभ में या इसमें कर पाएंगे हल्का फुल्का, लेकिन श्योर नहीं है कि उसमें एप्लीकेबल होगा, लेकिन जहाँ पर जो डिज़ाइन है वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब आप घना घन को, यानी कि आप डाइस जानते हैं ना, पासा बोलते हैं, उसको आप ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, वो हर तरीके से उसकी आकृति समान बैठेगी, तो ऐसे डिज़ाइंस में ये बड़े काम आता है। अब यहाँ पर हम किसका एरिया निकालना चाह रहे हैं, दो समबाहु त्रिभुजों का एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो आप पहले उनकी भुजाओं का, भुजाएँ कैसी होती हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में, यानी कि वन डायमेंशनल लेंथ होती है वो, तो वो मीटर में नापी जाएगी। तो ए बी सी देखिए पहले, ए बी ई, ए बी ए में जो उसकी भुजा है वो कितनी है, ए, और यहाँ पर जो उसकी भुजा है कितनी है, ए रूट टू, कैंसिल किया तो हमारे पास रेशियो क्या मिल गया, वन रेशियो टू टू। अब आपको क्षेत्रफल के लिए अलग अलग फॉर्मूला निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप मीटर ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए वन रेशियो टू। ये जो आकृति है वो द्विविमीय आकृति है, यानी कि इसका आयतन नहीं होता, लेकिन बाय चांस कोई ऐसी आकृति आएगी जिसपे आयतन भी होगा, जब हम मेंसुरेशन में 3D में जाएंगे,
जैसे कि हम जब हम घन की बात करेंगे, गोले की बात करेंगे, तो वहां पर भी हम क्या है कि गोला होगा तो त्रिज्या का, घन होगा तो भुजा का। दो अलग अलग घन की बात करेगा, दो अलग अलग गोले की बात करेगा, दोनों अलग अलग गोले की त्रिज्या का अनुपात निकाल लेंगे या दोनों अलग अलग घन के भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे। फिर जब वो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो उसी अनुपात का स्क्वायर कर देंगे, और जब वो उसके आयतन के अनुपात की बात करेगा तो उसी भुजा वाले अनुपात का क्यूब कर देंगे, उसकी घात 3 ले लेंगे। अगर मान लीजिए उसका आयतन भी होता तो 1 का क्यूब तो 1 होता है और ये हो जाता 2√2। अभी हमसे ये पूछा था तो ये आंसर मेरे पास 1:2। बहुत बड़ी चीज है, बहुत काम की चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है हमसे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 6 गुनी है, 5/6 गुनी है। ये ए, ये बी, ये सी। इसने कहा कि परिमाप जो है ये है और उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है। आधार मतलब मैंने बताया था कि ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यू में हम मेजर करते हैं कि कौन क्या है, आधार से कंपेयर किया है तो यानी कि ये 6 हो गई और समान भुजा ये 5 और ये 5 हो गई। लेकिन कैसे है, रेशियो में है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। एक भुजा जो ए है, ये दूसरी भुजा बी है, उसका अनुपात जो है आप फ्रैक्शन को रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये 5/6 को आप 5:6 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये जो रेशियो में है तो इसमें 8 से गुणा करने के बाद ही ये जो वैल्यू है वो हमारे पास कन्वर्ट होगी रियल वैल्यू में। अब यहाँ पर हमें परिमाप दिया हुआ है, तो देखिए 5 और 5 10, यानी कि 16 इज इक्वल टू हमें दे रखा है उसने 544, यानी कि अगर हम इसे 4 से काट दें तो 4 × 4 = 12 और 4 × 6 = 24 और 4 से फिर काटने के बाद 4 × 3 = 12 और 4 × 6 = 16, यानी कि r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 34। अब वो हमसे पूछ रहा है, उसने कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज के भी लिए भी हम कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, सिंपल है, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखो अभी इस आर को हटा देते हैं क्योंकि अभी इस आर का कोई रोल नहीं होगा। कैसे, मैंने आपसे कहा था कि पाइथागोरियन नंबर याद रखना बड़े काम की चीज़ है, कि 3, 4, 5, 5, 12, 13 और 6, 8, 10, 9, 12, 15, 8, 15, 17, 20, 21, 29 और भी होते हैं कई सारे, मतलब ये कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो थोड़ा याद रखेंगे तो जल्दी काम बनेगा, ठीक है। अब वो जैसे ही मैंने यहाँ पर लंब गिराया, लंब क्यों गिराया, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है और क्षेत्रफल के लिए आधार इंटू ऊंचाई कंपलसरी है। अब आधार तो मैंने 6 ले लिया, ऊंचाई हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, कि लंब गिराते हैं जब दो समान भुजाओं के बीच वाले एंगल से, तो वो उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है, 3:3 बन जाएगा। और हम जानते हैं कि ये पाइथागोरियन नंबर क्यों चेक कर रहे हैं, पाइथागोरियन नंबर क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस के लिए पाइथागोरियन नंबर चाहिए होते हैं, तो 3, 5 के साथ में क्या आता है, 4, यानी कि हाइट जो है वो क्या बन गई, 4r। तो हमारे पास देखिए बेस तो बन गया, हमारे पास बेस बन गया 6r, यानी कि 6 × 34 ऐसी रहने दीजिए, बाद में इंटू करेंगे। और जो हमारे पास हाइट है वो कितनी बन गई, 4r, यानी कि 4 × 34। हमें क्या निकालना है, एरिया, एरिया यानी कि डेल्टा लिखते हैं, 1/2 × बेस × हाइट। बेस कितना है, 6 × 34 और हाइट हमारे पास कितनी है, 4 × 34। तो ये 2 से चला गया हमारे पास 3 बार, 3 से ये गया 4, 3 × 4 = 12, 34 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1156। 12 का इंटू कर दीजिए इसमें, 12 × 6 = 72, 7 × 12 = 60, 67 12 × 12 = 6 = 18 और 12 × 12 = 13 13872 जो भी हो सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बस दिमाग लगा, वरना कुछ नहीं था इसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उसको हम हिट एंड ट्रायल बेस पे करेंगे।
यहाँ ये कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब जो है वो उसने हमको 8 बोल दिया, लेकिन ये देखिए समद्विबाहु है ना, तो ये दो भुजाएं बराबर हो गई, ये लंब है तो इसने सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया। अगर हम इसको चाहें तो ऐसी अभी मानने के लिए, बराबर जानने के लिए एक्स एक्स मान सकते हैं। और उसने कह दिया कि परिमाप, परिमाप जो है वो 64 है। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो उसका क्षेत्रफल बताइए, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल है हमें 240, 180, 360, 120। अब देखिए यहाँ क्या होता है। अब देखिए जो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, अगर हम जानते हैं कि ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा ए है और ये वाली भुजा अलग है बी, हमें हाइट दे रखी है, हमें ए ए बी में से कुछ भी नहीं दे रखा, और जो परिमाप दे रखा है वो हमको ए प्लस का बी दे रखा है। क्या करें भाई, क्या कर सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा इसे निकालने में। तो अभी अभी मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करेंगे, थोड़े से लॉजिक्स का यूज़ करेंगे, थोड़े से हिट एंड ट्रायल का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे कि मैंने आपसे कहा था कि पाइथागोरियन नंबर याद रखेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा, 8, 15, 17। अब आप जैसे ही देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरियन नंबर तो डेफिनेटली होगा, ये भुजा। अब इन तीनों में से राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं इसको देखूं, ए बी डी को देखूं, तो ए बी डी में इन तीनों में से एक मेरे को नंबर 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब 8 के साथ में याद कीजिए कि 8 के साथ में पाइथागोरियन नंबर कौन सा होता है, 8, 15, 17। कितना होता है, 8, 15, 17। और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि 17 ये तो फिक्स हो जाएगा, तो फिर ये कितना रह गया, 15। अगर ये 15 है तो ये और ये बराबर होती है, तो ये 15 होगी, दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये 17 हो गया। चेक करो एक बार कि 15, 15, 30 और 17 दूनी 34, 30 और 34 ऐड करने पर 64 आ रहा है क्या? अरे वाह, ये तो आ गया। इसका मतलब जो हमने भुजाएं मानी, जो पाइथागोरियन नंबर माने, वो सही माने, सही माने तो फिर एरिया निकालने में देरी क्यों? डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितना 15, 15, 30 और हाइट कितनी 8, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। मैंने बताया था कि अगला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी आएगा कि जहां पर वो आपसे प्रूफ कर पाएगा, आपसे पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप पढ़ लीजिए। क्या कहता है कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समभुजा की लंबाई ए यूनिट है, ये ए ये बी ये सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ए यूनिट है, यानी कि ये ए और तीसरी भुजा की लंबाई जो है वो बी यूनिट है। क्या है, तीसरी भुजा की लंबाई बी यूनिट है। मैंने वहां पर 2 भी मान लिया था, यहां इसने बी बोल दिया है, बस वही जो प्रोसेस था वो यहां पर आपको अप्लाई करना है। पहले ए से लंब गिरा देंगे, देखिए मैं करता जा रहा हूं, ए से लंब गिराया, ये डी पॉइंट मान लिया, ये 90 हो गया। ऐसा करने पर हम जानते हैं कि ये दो समान भागों में बढ़ जाती है, तो ये b/2 हो गया। अब यहाँ पर जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, इसको आप एच बोल दीजिए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बाई 4 हो गया। अब यहाँ से एच स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बाई 4 हो गया, एच इज इक्वल टू ए माइनस के बी, या फिर आप देख लीजिए कि ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं, 4 बाहर दिया गया है, 2 या 4 बाहर दिया गया है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम लेके 4a² - b² करने के बाद जो अपॉन में 4 आएगा, और एच स्क्वायर से हम एच ले आए हैं तो रूट लगाएंगे, रूट लगाएंगे तो इस रूट की वजह से इस 4 का रूट 2 हो जाएगा। अब बस हमें क्या निकालना है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है b और हाइट कितनी है जो हमने निकाली है, कितनी है 4a² - b² बाहर तो नहीं जा रहा है, ठीक है ठीक है, अपॉन 2, बस
चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, बी बाई फोर फोर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये मिल गया बी बाई फोर, ये मिल रहा है हमें सी ऑप्शन। ठीक है चलिए, अगर अगर आप खुद सोचिए, अगर आप ये नहीं जानते थे जो मैंने आपको इनिशियली आपको पूरा डिस्क्राइब किया था, तो फिर आप ये कैसे कर पाते, रह जाते ना। तो आप जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन से ही ली गई है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक दो समान भुजाओं की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर है और आसन्न कोण जो है वो 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए ये जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो समान भुजाएं जो हैं वो 10 दे रखी हैं। अब देखिए क्या बोला इसने, ये अगर समद्विबाहु त्रिभुज बनाया मैंने ए बी सी, तो ये भुजाएं मैंने समान ले ली और इन समान भुजाओं में ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो गई, और आसन्न कोण जो है वो इसने बोल दिए 45 डिग्री और 45 डिग्री। अब आप देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया, ये कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया कि अगर मैं इसको ऐसे बना के लिखूं, कैसे बना के लिखूं, पहले तो ये सोच लीजिए कि तीनों कोणों का सम 180 होता है, अब 180 में से 45 90 हो गया, तो 180 में से 90 कम किया कितना बचा 90, यानी कि अब ये ट्राइंगल जो है वो समकोण समद्विबाहु बन गया, ये 90, ये ए, ये बी, ये सी, यानी कि ये 45 45 है, कोई मतलब का नहीं है, लेकिन ये दो भुजाएं समान है वो 10, ये 10 बन गई, और ये जो है वो 10√2 होगी। लेकिन हमसे क्या पूछा है उसने, एरिया पूछा है, तो एरिया में तो सिर्फ हमें ये चाहिए, तो क्या बन जाएगा, हाफ, बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है, आंसर भी कुछ ऐसा ही है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास होती है √3/2 × a और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, ये होता है ए स्क्वायर, √3 गया, ये दो बार गया, ए स्क्वायर ए गया, ए इज इक्वल टू 2 आ गया, ए इज इक्वल टू 2 आ गया, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पूछी है तो 2 ही बताना हमें, बस प्रत्येक भुजा 2 आ गई, कुछ था ही नहीं। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, यहीं पर देखते हैं नीचे क्वेश्चन, आप वहां पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमिति जो है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी कि कुछ ऐसा है ये त्रिभुज जिसमें ये 90 है और ये दो भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमिति दे रखी है हमको 10+10√2, है ना। तो अगर ये मैंने ए मान लिया, ये ए तो आप जानते हैं कि ये √2 हो जाता है, बताया था मैंने दो भुजाएं समान हैं, तो ये बन जाएगा, परिमिति क्या बनेगी इसकी, ए प्लस ए 2a और प्लस का √2, और ये हमको दे रखी है 10+k√2, क्लियर है। अब देखिए करना क्या है हमें कि अगर मैंने देखो इसमें से ओनली दो कॉमन ए कॉमन लिया तो ये बनेगा a+k√2, और अगर मैंने यहां से 10 कॉमन लिया तो ये बनेगा 1+k√2। ठीक है, ए के साथ अगर मैं ए कॉमन लेता हूं तो 2+k√2 है, जबकि हमें यहां पर दिया है 1+k√2, हमें कंपेयर करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, तो आप एक काम कीजिए, आप ए के साथ में √2 भी कॉमन ले लीजिए। जब ऐसा करेंगे तो देखिए पहले वाले इस टर्म से ए तो बाहर आ जाएगी, और जब 2 में से √2 बाहर आया तो यहां रह गया √2 और यहां रह गया ओनली 1। अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये पूरा टर्म कट गया और a बराबर आ गया 10/√2, या फिर हम परिमेयकरण करेंगे, कॉन्जुएट इनटू करेंगे, तो ये बन जाएगा 5√2। इसकी भुजा हमारे पास कितनी आ गई, 5√2, और उसने कर्ण की लंबाई पूछी। अब देखिए गलती क्या होगी, कई बार क्या करते हैं हम जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं और हमने आंसर निकाल लिया कि भुजा आ गई 5√2, और ध्यान रखिएगा वो जो एग्जामिनर है वो ऑप्शन में वो वैल्यू जरूर देगा जो कि आपकी पहली बार में आएगी, और पूछेगा वो जो कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या पूछा उसने, कर्ण, जबकि कर्ण हमारे पास होता है a√2, तो आपको इसमें √2 से इंटू और करना है, तो 5√2 × √2 यानी कि 2, यानी कि 10 सेंटीमीटर आंसर देंगे, ना कि 5√2। ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में,
ठीक है, नए व्यूज़ के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। तब तक लिए शुक्रिया।